लॉन्ग स्टेज आर इन और अगर आप सोच रहे हो कि आप एफिशिएंटली पैक कैसे करोगे, ये वीडियो आपके लिए है। मैंने 4 महीने का सामान इस बैग में पैक किया है। इसमें समर क्लोथ्स है, विंटर क्लोथ्स है, ट्रेकिंग क्लोथ्स है, स्कीइंग क्लोथ्स हैं और ऐसे फैंसी इंस्टाग्राम वर्दी क्लोथ्स भी हैं। तो अब बताती हूँ मैं कि मैंने इतना कुछ पैक कैसे किया। पहाड़ों पे मैं लेके जाती हूँ ट्रैकिंग शूज़ और साथ ही साथ कैजुअल शूज़ और ट्राई करती हूँ कि इसी में मैं अपने सॉक्स भी फिट इन कर दूँ। साथ में मैं कैरी करती हूँ कंफर्ट स्लिपर्स। नाउ लेट्स टॉक अबाउट क्लोथ्स। तो ये पूरे मेरे पाइल ऑफ क्लोथ्स हैं जो मुझे फिट करने हैं अपने बैग में और इसका एक बहुत इजी मेथड है जिसको कहते हैं आर्मी रोल मेथड। तो मैं आपको बताती हूँ कि आप इन सारे कपड़ों को कॉम्पैक्टली कैसे फिट कर सकते हो अपने बैग में। हम सब जानते हैं कि सबसे ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं विंटर क्लोथ्स। स्टार्ट करते हैं स्वेट शर्ट से। पहले आप स्लीव्स फोल्ड कीजिए, उसके बाद हुडी फोल्ड कीजिए एंड स्वेट शर्ट की बॉटम को अपसाइड डाउन फोल्ड कीजिए लगभग 5 इंच तक। इस स्वेट शर्ट को दोबारा 2 में फोल्ड करने के बाद स्टार्ट रोलिंग फ्रॉम द टॉप और जब आप बॉटम पे पहुंच जाओगे तो आपको एक छोटा सा पाउच मिलेगा जिसमें आप अपना रोल फंसा सकते हैं। आप अपने सारे स्वेटर्स, टी शर्ट्स, शर्ट्स ऐसे ही फोल्ड कर सकते हैं जो ना ही बैग में कम स्पेस ऑक्यूपाई करता है बट काफ़ी ऑर्गेनाइज भी रखता है आपके सामान को। कमिंग टू टाल्स, नीचे की ओर करीब 3 इंच तक फोल्ड कीजिए और फिर दोनों साइड से सेंटर की ओर दोबारा फोल्ड करके रोल करना स्टार्ट कीजिए और नीचे में अगेन आप इस रोल को पाउच में फंसा सकते हैं। फॉर पैंट्स और जीन्स आप एक लेग को हाफ में डिवाइड करके उसका पाउच बना सकते हैं जो एक मिनी बैग की तरह काम आता है। तो इस टाइप की पैकिंग को बोलते हैं आर्मी रोल पैकिंग, जिसमें आप सारे कपड़े रोल कर देते हो इंस्टेड ऑफ स्प्रेडिंग इट आउट और बहुत ज़्यादा बैग में स्पेस बचा देती है। इसके अलावा मैं मेरिनो वूल बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ क्योंकि वो बहुत ही लाइट और बहुत ही वार्म मटेरियल है, स्पेशली ट्रैक्स के लिए। जहाँ पर आप पहाड़ों पर जा रहे हो तो वो आपको वार्म भी रखेगा और बैग में बहुत कम स्पेस ऑक्यूपाई करता है, बहुत स्ट्रेचेबल है और बहुत कंफर्टेबल है। ये सारे लिंक्स मेरिनो वूल वगैरह के जो भी मैं प्रोडक्ट्स यूज़ करती हूँ मैं नीचे दे रही हूँ अपने शूज़ के, तो आप वो देख सकते हो। तो बेसिकली ये सारे सामान हैं मेरे बैग के अंदर। ये मेरी ट्रैकिंग पैंट्स हैं और साथ में समर्स के लिए मैंने ट्रैकिंग शॉर्ट्स लिए थे, ये फोल्डेड है। 5 स्वेटर्स और एक इनर। मैंने ये कैप इसलिए ली थी क्योंकि इसके 2 कलर्स हैं, येलो और ब्लू। बट जो मेजर स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है वो है ये जैकेट। ये मैं एक्सट्रीम विंटर्स के लिए लाई हूँ। अगर मैं बहुत एक्सट्रीम ट्रैक पे जा रही हूँ जैसे हमटा पास ट्रैक, वहाँ पे बहुत ठंड होगी, तो ये जैकेट बहुत काम आएगी, बहुत मोटी है। और जब आप लॉन्ग स्टे के लिए आ रहे हो तो ऑफकोर्स आपको कपड़े धोने होते हैं, तो ये मेरे लिए काफ़ी सफिशियंट है। कभी कभार कपड़ों के अलावा बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा सामान होता है जो बैग में बहुत ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई कर लेता है, बट उसके भी छोटे छोटे तरीके हैं जिससे आप बैग में एक्स्ट्रा स्पेस ला सकते हो। जैसे कि हम डे पैक तो हर जगह लेके जाते हैं, तो ये फोल्ड हो जाता है और अगर आप चाहते हो तो आप इसे खोल के अपना डे पैक भी बना सकते हो। तो ये आपका डे पैक हो जाता है जब आपको बाहर जाना होता है। ये वाटरप्रूफ है। इसके अलावा मैंने ये बॉटल ली थी, मुझे बाहर से प्लास्टिक बॉटल्स लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दिस हेल्प्स इन रिड्यूसिंग माय प्लास्टिक कंजम्पशन और ये बैग के साइड में लग जाता है। स्पेस अगेन बैग की ऑक्यूपाई नहीं करता, ये बैग में बाहर टंगा रहेगा और बहुत अमेजिंग है। इसके अंदर ये फिल्टर है जिसके थ्रू आप पानी बाहर से भी कहीं से भी भर सकते हो। फॉर दिस नेक पिलो अगेन मैंने ये फोल्डेबल नेक पिलो लिया था, मुझे बस इसमें हवा भरनी है और मैं कहीं पे भी ये नेक पिलो यूज़ कर सकती हूँ। और जब मुझे जगह इसको डालना है बैग में तो ये स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करता, ये बस फोल्ड हो जाता है। नेक्स्ट थिंग इज दिस पोंचो, जो अगेन जगह ऑक्यूपाई नहीं करता। इसका एक कवर है जिसके अंदर ये पूरा का पूरा पोंचो चला जाता है, अगेन ये जगह ऑक्यूपाई नहीं करता है। तो यस, ये थे मेरे कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जो मैं यूज़ करती हूँ पैकिंग के टाइम पे। स्पेशली अगर मैं लॉन्ग ट्रिप्स पे जा रही हूँ तो ये सब बहुत ज़्यादा हेल्प करता है पैकिंग के लिए, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा सामान आप भर सकते हो इस बैग में और बहुत ऑर्गेनाइज रहता है क्योंकि सारी चीज़ें रोल्ड अप होती हैं, तो उसकी प्रेस भी ख़राब नहीं होती,
जगह भी कम ऑक्यूपाई करता है और आप ज्यादा से ज्यादा सामान लेके जा सकते हो कॉम्पैक्ट वे में। जो कोई लॉन्ग ट्रिप प्लान कर रहा है उसके साथ ये वीडियो शेयर कीजिए, क्योंकि शायद ये वीडियो उनके लिए हेल्पफुल होगी पैकिंग के लिए। बाकी प्लीज लाइक एंड कॉमेंट, क्योंकि एल्गोरिथम में बहुत हेल्प करता है। एंड आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।